खबर है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से। कोरोना काल में धीरे धीरे लगभग सभी व्यापार खुल चुके हैं, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे व्यवसाय बाजार हाट अभी तक नहीं खुले हैं। इसे लेकर शासन प्रशासन ने भी किसी प्रकार की सूध नहीं ली है। इसके चलते बाजार हाट से अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले फुटकर व्यापारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। 2 महीनों से व्यवसाय बंद होने के चलते बेकारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। इसे देखते हुए शासन प्रशासन से फुटकर व्यापारियों ने हाट बाजार एवं फुटकर दुकानों को खोलने की छूट देने की मांग उठने लगी है। अभी हाट बाजार और फुटकर व्यापारियों को अपने व्यवसाय संचालन की छूट नहीं दी है, इसके चलते ये व्यवसाय काफी परेशान है। कोरोना संक्रमण का स्तर गिरने के बाद इन व्यापारियों को भी उम्मीद थी कि प्रशासन उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति को देखते हुए जल्द ही उन्हें रियायत देगी, परंतु अभी तक प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जानकारी के मुताबिक लगभग जिले के हर ब्लॉक और गांव में बड़ी संख्या में हाट साप्ताहिक बाजार में घूम घूम कर दुकानें लगाने वाले 1000 से अधिक फुटकर व्यापारी हैं। इसमें कपड़ा, बर्तन, जूते चप्पल, फेरी, सोना चांदी, मनिहारी से लेकर कई प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं, जो स्थायी दुकान लगाने के बजाय विभिन्न गांवों में सप्ताह में एक बार लगने वाले हाट या साप्ताहिक बाजार के दिन अपना व्यवसाय लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं और इसी के भरोसे उनका घर चलता है। वर्षों से ये व्यवसाय इसी प्रकार के रोजी रोटी पर निर्भर हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का सर्वाधिक असर इन पर ही देखने को मिला है। पहले लहर में इनका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। दूसरी लहर आने के बाद 2 महीने से अधिक समय से इनकी दुकानें बंद हैं। ऐसे में व्यापारियों ने भी शासन प्रशासन से फुटकर दुकानें और हाट बाजार खुलने की छूट देने की मांग की है।